Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. किसी भी पूजा पाठ के काम में सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को गजानन, एकाक्षर, विघ्नहर्ता, एकदंत के अलावा और भी कई नामों से बुलाया जाता है। आइए जानते हैं कैसे गणपति का नाम एकदंत पड़ा और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। विद्या, बुद्धि, विनय, विवेक में भगवान गणेश अग्रिम है। वे वेदज्ञ हैं। महाभारत को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। गणेश चतुर्थी की पट्टी पूजन विशेष रूप से की जाती है। दुनिया के सभी लेखक, सृजक, शिल्पी, नवाचारी एकदंत से प्रेरणा पाते हैं। एकदंत स्वरूप गजानन को भगवान परशुराम के प्रहार से मिला है। एक बार शिवजी के परम भक्त परशुराम भोलेनाथ से मिलने आए। उस समय कैलाशपति ध्यान मग्न थे। गणेश ने परशुराम को मिलने से रोक दिया। परशुराम ने उन्हें कहा वे मिले बिना नहीं जाएंगे। गणेश भी विनम्रता से उन्हें टालते रहे। जब परशुराम क्या धैर्य टूट गया तो उन्होंने गजानन को युद्ध के लिए ललकारा। ऐसे में गणाध्यक्ष गणेश को उसने युद्ध करना पड़ा। गणेश परशुराम में भीषण युद्ध हुआ। परशुराम के हर प्रहार को गणेश निष्फल करते गए। अंततः क्रोध के वशीभूत परशुराम ने गणेश पर शिव से प्राप्त परशु से ही वार किया। गणेश ने पिता शिव से परशुराम को मिले परशु का आदर रखा। परशु के प्रहार से उनका एक दंत टूट गया। पीड़ा से एक दंत कराह उठे। पुत्र की पीड़ा सुन माता पार्वती आई और गणेश को इस अवस्था में देख परशुराम पर क्रोधित होकर दुर्गा के रूप में आ गई। यह देख परशुराम समझ गए उनसे भयंकर भूल हुई है। परशुराम ने माता पार्वती से क्षमा याचना कर एक दंत की विनम्रता की सराहना की। परशुराम ने गणेश को अपना समस्त तेज बल, कौशल और ज्ञान आशीष स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार गणेश की शिक्षा विष्णु के अवतार गुरु परशुराम के आशीष से सहज सी हो गई। कालांतर में उन्होंने इसी टूटे दंत से महर्षि वेदव्यास से उच्चरित महाभारत कथा का लेखन किया। भगवान गणेश को एक दंत विग्रह का पूजन, वंदन, स्मरण गणेशो के दौरान चौथे दिन अर्थात भाद्रपद शुक्ल सप्तमी करना विशेष फलदायी है। देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश को एक दंत रूप आदिशक्ति पार्वती, आदिश्वर भोलेनाथ और जगत पालक श्री हरि विष्णु की सामूहिक कृपा से प्राप्त हुआ है। गणेश इसी रूप में समस्त लोकों में पूज वंदनीय है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।